साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। इससे पहले हम ITI फर्स्ट ईयर के 3 चैप्टर की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकता है। प्रत्येक वीडियो में सभी टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है और वीडियो के अंत में ये भी बताया जाता है कि आप लोगों को ड्राइंग फाइल में क्या और कैसे ड्रॉ करना है, जो आप ड्राइंग फाइल में ड्रॉ करके अपने टीचर को दिखा सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में, जिसका नाम है लाइंस, कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में लाइन का पहला टॉपिक है डेफिनेशन। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइन, कितने तरह की लाइनें होती हैं और उन लाइनों की एप्लीकेशन कहाँ, उनके प्रयोग हैं वो देखेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन करेंगे, वे कितने तरह की लाइनें होती हैं, मुख्य तौर पर सिलेबस में हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन और सेक्शन लाइन है। इन सब को हम वन बाय वन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइन, लाइन को हम हिंदी में रेखा भी कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने के लिए जो रेखाखंड हम यूज करते हैं, या जो रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाता है, उसी को हम कहते हैं लाइन। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है एक लाइन की, रेखा की। तो जैसा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक तरह से लैंग्वेज की तरह यूज की जाती है इंजीनियरों के द्वारा, तो इसको हम इंजीनियर्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार किसी दूसरी लैंग्वेज को कन्वे करने के लिए, लिखने के लिए अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को लिखने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए लाइंस का प्रयोग किया जाता है। वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एज वी नो दैट इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स एंड एज एवरी लैंग्वेज नीड्स अल्फाबेट्स टू राइट, सिमिलरली इन इंजीनियरिंग ड्राइंग वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन फॉर ड्राइंग। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए आपको ए बी सी डी की जरूरत पड़ती है, हिंदी में लिखने के लिए ए आ छोटी बड़ी अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार ड्राइंग में बनाने के लिए, लिखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनों की जरूरत पड़ती है। ईच एंड एवरी लाइन हैज ए स्पेसिफाइड मीनिंग एंड फंक्शन एंड ईच लाइन शो डिफरेंट फीचर। अभी हमने एक सिंपल लाइन अभी ड्रा करके दिखाई थी जो दो बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत तरह की लाइनें होती हैं, उनको बनाने का तरीका अलग अलग होता है और प्रत्येक लाइन का मीनिंग भी अलग अलग होता है, उसका जो फीचर है वो अलग फीचर को शो करती है। लाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग टू टाइप्स। एक लाइन दूसरी लाइन से किस प्रकार से डिफरेंट है, दो तरीके से डिफरेंट हो सकती है। एक है उनकी थिकनेस है, देयर थिकनेस, यानी तीन तरह की लाइनें हैं मुख्य तौर पर, थिक, मीडियम थिक और थिन। जो एक मोटी लाइन होगी, एक मध्यम लाइन होगी और एक होगी पतली लाइन, तो आप उसके साइज को, थिकनेस को देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हो ये किस तरह की लाइन है। दूसरा चीज जिसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो उनकी शेप, देयर शेप एंड कंस्ट्रक्शन, यानी उन लाइन को आकार, उन लाइनों का आकार क्या है और उन लाइनों को बनाने का तरीका क्या है। तो इन दो तरीके से एक लाइन को हम दूसरी लाइन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन कितने तरह की होती है। अभी हमने देखी थी मोटाई के आधार पर हम उनको बांट सकते हैं, तो जो मोटाई है उनकी एक रेंज होती है, अलग अलग रेंज की लाइनें होती हैं। मुख्य तौर पर जो साइज होते हैं इस रेंज में वो क्या क्या होते हैं, 0.18 mm, 0.25 mm, 0.35 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1.0 mm, 1.4 mm एंड 2.0 mm, ये सारे साइज मिलीमीटर में हैं। तो ये वो साइज हैं मुख्य तौर पर जो लाइनों के यूज किए जाते हैं। जो ये साइज है, जैसे 0.18 mm है, ये क्या बताएगा, उस लाइन की थिकनेस बताएगा, उस लाइन की मोटाई बताएगा कि वो लाइन कितनी मोटी है। इसी प्रकार दूसरे साइज भी उसकी मोटाई बताते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण कार्य में, यानी ड्राइंग में हम जो यूज करते हैं इंस्टीट्यूट में, ITI में, डिप्लोमा में, वो जो साइज है वो है 0.5 mm, यानी वो लाइन जो हम यूज करते हैं वो मैक्सिमम जो मोटाई होगी उसकी कितनी होगी, 0.5 mm। तो इसी से हम दूसरी लाइनों की थिकनेस भी निकाल सकते हैं। जो ये थिकनेस है, जो मैक्सिमम मोटाई है वो बताता है, तो 0.5 mm हो जाएगा थिक लाइन के लिए, सबसे मोटी लाइन है वो कितनी होनी चाहिए, 0.5 mm। जो मीडियम है उसका साइज इसके आधार पर कितना होगा, 0.3 mm, और जो पतली लाइन होगी वो होगी हमारी 0.2 mm। तो ये जो साइज है ये क्या बताते हैं, रेंज बताते हैं और उसके मैक्सिमम,
उसकी मोटाई को, उसकी मैक्सिमम थिकनेस को बताते हैं, उसकी थिकनेस से हम दूसरी जो मीडियम और थिन लाइन है उनकी भी मोटाई पता कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण कार्य में हम कौन सी थिकनेस की लाइन यूज करते हैं, 0.5 mm, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। और यह ऐसा ही पूछ सकता है कि 0.5 mm थिकनेस में जो थिन लाइन है उसकी मोटाई कितनी होगी, तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। थिन लाइन की जो मोटाई होगी 0.2 mm होगी, और जो मीडियम लाइन है उसकी 0.3 होगी, और जो थिक लाइन है उसकी 0.5 होगी। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। और इनका वो कई बार रेशो ही पूछ लेता है कि जो थिकनेस है थिक और मीडियम थिक की, उनके बीच में रेशो कितना है। तो ऐसे अगर पूछ ले तो आपको पता है थिक जो लाइन है उसकी मोटाई कितनी, 0.5 mm, और जो मीडियम थिक है उसकी कितनी है, 0.3 mm। तो इन दोनों का रेशो क्या निकल जाएगा, 5:3। इसी प्रकार अगर थिक और थिन की निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 5:2। तो वो क्वेश्चन में कई बार रेशो भी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। अब जो लाइन की क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर करी गई है, उसके शेप के आधार पर और उसकी बनाने के तरीके के आधार पर, वो अलग अलग तरह की होती हैं, वो देखते हैं। तो लाइन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड कंस्ट्रक्शन। ईच लाइन हैव देयर ओन यूज एंड मीनिंग। प्रत्येक लाइन का अपना अलग यूज है, अलग प्रयोग है, और उनका मीनिंग भी अलग अलग है। वन बाय वन देखते हैं। ऐसा ही फिगर आपने बनानी है अपनी ड्राइंग फाइल में, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे बनाना है। देख लेते हैं, 10 तरह की लाइनें हमें मुख्य तौर पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी लाइन का नाम ही लिखा गया है, यहाँ पर उसका टाइप बताया गया, थिक लाइन है, थिन लाइन है, मीडियम थिक है, किस प्रकार की वो लाइन है वो बताया गया, और यहाँ पर हम उसको ड्रा करके बताएंगे किस तरह से उसको ड्रा किया जाता है, ये ध्यान से समझना। सबसे पहले है आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, इसको हिंदी में हम बाहरी या वस्तु रेखा भी बोलते हैं। कैसी होती है लाइन, होती है कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, यानी लगातार खींचते हैं हम इसको, और मोटाई में होती है थिक लाइन होती है। थिक का मतलब 0.5 mm जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं। तो कैसे ड्रा की जाएगी, है कॉन्टिन्यूस, बीच में इसके कोई गैप नहीं होगा। तो ये ऐसे लाइन ड्रा की जाएगी, बिल्कुल सीधी। ये कौन सी लाइन है, आउटलाइन। दूसरे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की जो टाइप है वो कैसी होगी, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, ये भी कॉन्टिन्यूस है, लगातार खींची जाती है, इसके बीच में भी कोई गैप नहीं होता, कोई डैश नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या अंतर है, जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है थिक होती है और ये थिन होती है। तो इससे जो थोड़ी पतली लाइन होगी, थिन मतलब 0.2 mm की, वो कहलाएगी कंस्ट्रक्शन लाइन, बाकी ड्रॉ करने में दोनों सेम है। तो आप पेंसिल से थोड़ी पतली लाइन खींच दोगे वो हो जाएगी कंस्ट्रक्शन लाइन, और थोड़ी सी गाढ़ी लाइन होगी, मोटाई में होगी, तो वो होगी ऑब्जेक्ट लाइन। तीसरे नंबर पे है हिडन लाइन। हिडन लाइन होती है किस टाइप की, डैश्ड थिन लाइन। डैश्ड मतलब इसको डैश डैश में बीच में गैप दे देके खींचा जाता, कैसे, डैश गैप, इस प्रकार से इस लाइन को बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम डैश्ड लाइन भी कहते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए हिडन लाइन में हम किस तरह की लाइन यूज करते हैं, ऑप्शन में अगर डैश्ड लाइन है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। या ऐसे पूछ सकता है कि हिडन लाइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, हम हिडन ऑब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटर लाइन या लोकस लाइन। ये लाइन भी किस तरह की होती है, थिन लाइन होती है, लेकिन ड्रा कैसे किया जाता है, एक बड़ा डैश खींचा जाता है, उसके बाद एक गैप देके छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, और फिर बड़ा डैश, इस प्रकार से ये लाइन खींची जाती है, सेंटर लाइन। इसका प्रयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मध्य पार्ट को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर दो बराबर हिस्सों में बांटना है और लाइन से दिखाना है तो हम इस प्रकार उसको दिखाएंगे, एक बड़ा डैश लगाएंगे, फिर थोड़ा गैप, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश। तो इस प्रकार से ये सेंटर लाइन है। नेक्स्ट जो है डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। ये भी किस तरह की लाइन है, थिन लाइन है। इसका प्रयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, उसकी हाइट अगर बतानी है लिखकर, तो इस लाइन का प्रयोग किया जाता है, डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशन बतानी होती है, मान लिया लंबाई बतानी है, कोई ऑब्जेक्ट इतना लंबा है और उसकी लंबाई से हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं एक लाइन 3 से 6 mm की, इन दो जो लाइन हमने एक्सटेंड करी है, अभी हम आगे के डायग्राम में इसको अच्छी तरह समझाएंगे। तो ये जो दो लाइनें हम खींचते हैं इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, हमने एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दी इसका, इसलिए इसका नाम भी एक्सटेंशन लाइन है। और इन दोनों के बीच में हम एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं,
टाइप कौन सी है, थिन है, ये दोनों पॉइंट जो है हमारे एक्सटेंशन लाइन को छूने चाहिए, और दोनों साइड हम बनाते हैं इसके एंड पे एरो हेड इस प्रकार से, दोनों साइड हम क्या बनाएंगे, एरो हेड बनाएंगे, इसका भी एक साइज होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जो बीच में हमारी दो एरो हैं और बीच में जो लाइन है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन, और जो दो लाइन है हमने एक्सटेंड करी थी इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट है सेक्शन लाइन, जो सेक्शन लाइन है ये भी थिन लाइन होती है, इसको भी ड्रा करने के लिए हम कॉन्टिन्यूस लाइन का प्रयोग करते हैं। इस लाइन का प्रयोग मेनली किसी भी ऑब्जेक्ट के कट सेक्शन को दिखाने के लिए हम करते हैं, और ये लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये जो लाइन है ये फ्री हैंड थिन लाइन होती है, इसको फ्री हैंड खींचा जाता है, और कहाँ यूज किया जाता है इसको, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लंबाई में है और ड्राइंग फाइल पर उसको आप पूरी तरह से नहीं बना सकते, तो आपको उसको कट करके दिखाना पड़ता है, तो वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है शॉर्ट ब्रेक लाइन का। और कैसे बनाई जाती है, फ्री हैंड थिन लाइन, इस प्रकार से फ्री हैंड इसको खींचा जाता है। किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटी दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसको हम जिगजैग लाइन भी बोलते हैं, इसका प्रयोग भी उसी प्रकार जैसे शॉर्ट ब्रेक का, कोई ड्राइंग फाइल से बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको दिखाने के लिए हम शॉर्ट में बीच में से काट कर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हमें पता लग जाता है कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, हम इसको शॉर्ट में दिखा रहे हैं। उसी प्रकार अगर ऑब्जेक्ट और ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। ये कैसे बनाई जाएगी, इसके लिए हम एक पहले सीधी लाइन खींचते हैं और फिर ऐसे जिगजैग बनाते हैं बीच बीच में, फिर एक लाइन खींचते हैं, ऐसे इसको ड्रा किया जाता है, बीच बीच में हम इसका जिगजैग बनाते हैं, इसलिए इस लाइन का नाम भी क्या है, जिगजैग लाइन। नेक्स्ट लाइन है कटिंग प्लेन लाइन, ये भी जो कोई भी कट सेक्शन है उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दोनों तरह से थिक और थिन लाइन होती है, जो मेन लाइन है वो थिन होती है लेकिन जो दोनों सिरे होते हैं उसके वहां पर थिक होती है। बनाने का तरीका इसका उसी प्रकार जैसे हम सेंटर लाइन बनाते हैं, यानी एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश और एक बड़ा डैश, सेम तरीके जैसे हमने सेंटर लाइन या लोकस लाइन को बनाया, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, सेंटर लाइन जो है वो पूरी तरह से थिन होती है, उसका साइज बराबर रहता है, लेकिन जो हमारी कटिंग प्लेन लाइन है जो इसके शुरू वाले एंड है दोनों थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं मेन जो बीच वाली लाइन है उसके बजाय। तो दोनों सिरे हो गए हमारे थिक और बीच में होती है ये थिन लाइन। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है डिट्टो लाइन, जिसको हम डबल डैश लाइन भी बोलते हैं। डिट्टो लाइन का प्रयोग हम जब करते हैं जब एक ही ऑब्जेक्ट को किसी ड्राइंग फाइल में दो बार बनाना हो, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को दोबारा नहीं बनाते, उसके लिए हम डिट्टो लाइन का प्रयोग करके ये शो करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बना दिया उसी की कॉपी नीचे भी आएगी, इससे हमारा जो दोबारा बनाने का समय है वो बचता है। कैसे ड्रॉ करते हैं डिट्टो लाइन को, जैसे हमने हिडन लाइन में सिंगल डैश प्रयोग किए थे, इसी प्रकार डिट्टो लाइन में हम डबल डैश प्रयोग करेंगे, यानी दो डैश, थोड़े थोड़े गैप पर, उसके बाद एक बड़ा गैप, फिर दो डैश, फिर थोड़ा बड़ा गैप, दो डैश, थोड़ा बड़ा गैप, दो डैश, इस प्रकार से हम डिट्टो लाइन का प्रयोग करके किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी शो कर सकते हैं। तो ये थी मुख्य तौर पर 10 लाइनें जिसका हम प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब इनके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं वन बाय वन कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। आपकी जो बुक है उसमें ये इस प्रकार से टेबल में बने होंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर जिस बच्चे के पास बुक है। एक बार मैं बता भी देता हूँ, जैसे हमने आउटलाइन देखी थी कैसी बनाई गई है, थिक लाइन, थोड़ी सी देख रहे हो आप दूसरी लाइनें हैं उनसे थोड़ी मोटी लाइन है, ये थिक लाइन है। नेक्स्ट है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन में दोनों साइड एरो होते हैं और बीच में से जो लाइन होती है थिन होती है। नेक्स्ट है हिडन लाइन, जिसका प्रयोग हम अदृश्य वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं। कैसे बनाई जाती है, डैश गैप डैश डैश ऐसे, और ये जिसका साइज है वो मीडियम थिक होता है। नेक्स्ट हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को कैसे ड्रा करते हैं, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, इस प्रकार से सेंटर लाइन या लोकस लाइन ड्रॉ की जाती है। कटिंग प्लेन लाइन हमने देखी थी, सेंटर लाइन की तरह ही होती है लेकिन दोनों एंड थिक होते हैं और बीच में जो मेन लाइन है वो थिन होती है, बाकी सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है।
नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक लाइन, इसको फ्री एंड लाइन भी बोलते हैं और इसको खींचा फ्री एंड ही जाता है। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि कौन सी लाइन को फ्री एंड खींचा जाता है, तो फ्री एंड ड्रा करने के लिए एक ही लाइन है, वो कौन सी है, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसके अलावा सारी लाइनें स्केल से खींची जाती हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन, कॉन्टिन्यूस लाइन, जिगजैग और कॉन्टिन्यूस लाइन, इस प्रकार से हम लॉन्ग ब्रेक को शो करते हैं। सेक्शन लाइन थिन कॉन्टिन्यूस होती है और मेनली हम इसको 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करते हैं। डिट्टो नेक्स्ट है, डिट्टो लाइन, डिट्टो लाइन हमें पता है दो डैश गैप, दो डैश गैप, इस प्रकार से डिट्टो लाइन खींची जाती है। अब इनके प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है आउटलाइन, यानी उसको ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं और हिंदी में हम कहेंगे इसको बाहरी या वस्तु रेखा। दीज आर कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, ये जो लाइनें होती हैं कॉन्टिन्यूस होती हैं और थोड़ी सी मोटाई में खींची जाती हैं। यूज टू रिप्रेजेंट द आउटलाइन एंड ओवरऑल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की पूरी शेप दिखाने के लिए और उसकी जो बाहरी लाइनें हैं उनको खींचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एवरी एज एंड सरफेस दैट इज विजिबल इज रिप्रेजेंटेड बाई दीज लाइन्स, और जो भी किनारा है, बाहरी किनारा है, जो विजिबल है उस व्यू में यानी दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम इन लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लाइनें हैं वो कैसी हैं, थिक लाइनें हैं, आप इनको मोटाई में खींचते हैं, ये आपको ऑब्जेक्ट का मेन ओवरव्यू देते हैं, तो इसीलिए इसको हम आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन या संरचना रेखा, संरचना रेखा इसको हिंदी में कहते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस होती है, अभी जैसे ऑब्जेक्ट लाइन हमने देखी है, लेकिन जिसका साइज है कॉन्टिन्यूस की बजाय थोड़ा पतला होता है। जो कॉन्टिन्यूस होती है वो होती है थिक, थिक का मतलब हमारा 0.5 mm, जो हम ड्राइंग में मेनली यूज करते हैं, और ये लाइन होती है थिन यानी 0.2 mm साइज की, बाकी दोनों लाइनें कॉन्टिन्यूस होती है। इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं, यूज फॉर प्रोजेक्टिंग और ट्रांसफरिंग लोकेशन फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू। आगे ड्राइंग में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम कई व्यू बनाते हैं और एक व्यू से लाइन को ट्रांसफर करने के लिए, साइज को ट्रांसफर करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है। यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड यूजली दीज लाइन्स डू नॉट अपीयर इन द फिनिश्ड ड्राइंग, और हम इनका जो मेन प्रयोग करते हैं वो ड्राइंग में एज ए रफ कार्य के लिए करते हैं, यानी आपको कोई चीज ड्रॉ करनी है तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे, उसके अंदर मेन चित्र को ड्रा करेंगे, मेन ड्राइंग को ड्रा करेंगे, उसके बाद जब हमारी मेन ड्राइंग बन जाएगी तो जो ये लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन है, हम इनको रब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है हिडन लाइन, और हिंदी में इसको हम अदृश्य रेखा भी कहते हैं। तो जैसा नाम से पता चलता है इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो मौजूद होता है लेकिन किसी एक व्यू में वो दिखाई नहीं देता, तो उस चीज को शो करने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, यानी वो चीज किसी ऑब्जेक्ट में है तो लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है, ये जो लाइन है अगर इस लाइन को आप इधर से देखोगे, साइड व्यू बनाओगे जब इसका, तो साइड व्यू से आपको ये पोर्शन नहीं दिखाई देगा लेकिन एक्चुअल में ये है, तो इसको शो करने के लिए हम ऐसे हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो जो इस व्यू में ये लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है साइड व्यू में, इसीलिए इसको शो करने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कोई चीज यहां इस व्यू में दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो एक्चुअल में है। तो इसका प्रयोग यूज टू शो हिडन पार्ट और पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अदृश्य पार्ट है, पोर्शन है, उसको शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लाइन है सेंटर लाइन और लोकस लाइन, जिसको हिंदी में मध्य रेखा भी कहते हैं। ड्रोन बाय लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश रेशियो रेंजिंग फ्रॉम 6:1 to 4:1। सेंटर लाइन किसी भी पार्ट के मध्य भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और ये कैसे बनाई जाती है, एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश से इसको शो किया जाता है, और जो इसका रेशो है 6:1 to 4:1 के बीच लिया जाता है। और जो एक ड्राइंग है, मान लिया एक सीट है, उस पर जितनी भी आप सेंटर लाइन खींचोगे उनका जो प्रोपोर्शन है वो सारा बराबर होना चाहिए। अगर आपने मान लिया एक के लिए 6:1 ले लिया है तो नेक्स्ट जब भी हम सेंटर लाइन बनाएंगे तो उसका रेशो 6:1 ही रहना चाहिए। तो इसको हम आई जजमेंट के द्वारा मेंटेन करेंगे, यानी वो देखने में सारी 6:1 में ही नजर आनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर और लोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर को या लोकस को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटर लाइन शुड बिगिन एंड एंड विद द लॉन्ग डैश, हमेशा याद रखनी है ये बात,
जो सेंटर लाइन हमेशा जो शुरू होती है वो भी बड़े डैश से होती है, और जो आखिर में बनता है एंड खत्म होती है, जो लाइन एंड होता है वो भी इसके लॉन्ग डैश से होता है। बीच में हमारे ऐसे शॉर्ट और लॉन्ग डैश दोनों आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा किससे होती है? लॉन्ग डैश से। When two center line cross, the short dash should intersect symmetrically. और अगर किसी फिगर में दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दो लाइनें मतलब दो सेंटर लाइनें, तो हमेशा कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? जो ये छोटा डैश है वहां क्रॉस करनी चाहिए। समझते हैं, मान लिया एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की है, अब एक लाइन हमें इसके परपेंडिकुलर या इसको क्रॉस करते हुए ड्रॉ करनी है, तो हमेशा जो शॉर्ट डैश है वहां से क्रॉस होना चाहिए इसका, ऐसे। तो आप देख रहे हो जो क्रॉसिंग हुई है वो कहां हुई है? शॉर्ट डैश से हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, इसका जो सेंटर पार्ट दिखाना है कैसे दिखा रखा है, एक बड़ा डैश है, एक छोटा डैश है, यहां एक बड़ा डैश है, छोटा डैश, बड़ा डैश, इस प्रकार से सेंटर इसका दिखाया जा सकता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली भी दिखाना है ये सेंटर है, तो आप देख रहे होगे ये भी एक बड़ा डैश है, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, इस प्रकार से आप एक लाइन खींचते हो, और वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी बाहर भी निकलती है। और हमेशा देखना कि जो शुरुआत है सेंटर लाइन की वो बड़े डैश से होती है, और जो एंड है वो भी बड़े डैश से होता है, तो आप इस चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन, जिसको हम हिंदी में विमांकन रेखा भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं, मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये डायमेंशन का मतलब होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताना। अब आपको ड्राइंग फाइल में इसकी ये लंबाई दिखानी है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइज के परपेंडिकुलर दो लाइन थोड़े से गैप पर एक्सटेंड कर देते हैं। आप देख रहे हो जो मेन लाइन है, मेन ऑब्जेक्ट, उसके बीच में और हमारी इस एक्सटेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो ऐसे गैप रखते हुए दो लाइनें एक्सटेंड कर देते हैं हम आगे, इनको बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची जाती है जो एक्सटेंशन लाइन को दोनों तरफ टच करती है, और दोनों जो एंड है उन पे हम एक एरो बनाते हैं, और जो इसका साइज होगा इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं। मान लिया साइज इसका कितना है, 50 mm, तो इस पे लिख देंगे हम 50 mm। डायमेंशन दिखाने के लिए हमने जो लाइन यूज करी है जिसमें दोनों साइड एरो हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, और जो हमने एक्सटेंड करे हैं दो बिंदु, दो लाइनें, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और जो ये एरो हेड है, ये भी कई बार पूछ लेता है, इसका भी साइज होता है, ये मान लिया एरो हेड है, तो ये हमेशा 3:1 में बनाया जाता है, यानी अगर लेंथ इसकी 3 mm है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 mm। चौड़ाई से मतलब ये जो साइज है ये क्या शो करता है, इसकी ब्रेड्थ को शो करता है, और जो ये पार्ट है ये क्या शो करता है, इसकी लेंथ को। इस एरो हेड की हम बात कर रहे हैं, तो एरो हेड हमेशा 3:1 में बनाया जाता है, यानी इस एरो हेड की लंबाई हमेशा चौड़ाई से 3 गुना होती है। ये आगे जो डायमेंशन का एक चैप्टर आएगा उसमें और विस्तार से देखेंगे। तो जो डायमेंशन लाइन है हमेशा कौन सी लाइन होती है, थिन लाइन होती है, यूज टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। डायमेंशन लाइन हैव एरो हेड ऑन द बोथ हैंड, जो डायमेंशन लाइन है उसके दोनों सिरों पे क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, एंड ऑलवेज ड्रोन बिटवीन द एक्सटेंशन लाइन, और हमेशा किसके बीच में खींची जाती है, दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में खींची जाती है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होगी कि डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है और कहां इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सेक्शन लाइन, दीज आर थिन कॉन्टिन्यूस लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ये जो लाइनें हैं थिन होती हैं कॉन्टिन्यूसली, इसका यूज करते हैं, यूज टू शो द पार्ट इन सेक्शन, किसी भी पार्ट का अगर कट सेक्शन दिखाना है तो उसके लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। दीज लाइन आर यूजली ड्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेनली हम इसको 45 डिग्री के एंगल पर खींचते हैं। दीज लाइन एक्सटेंड एज टू एज ऑफ द सरफेस इन विच दीज आर ड्रोन, अब मान लिया ये किसी ऑब्जेक्ट का कट सेक्शन है और इसको शो करना हमें सेक्शन लाइन से, तो ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे खींची जाती हैं, कॉन्टिन्यूस थिन पतली लाइनें हैं और जिनके बीच का गैप है ये बराबर रखा जाता है।
और ये हमेशा एज टू एज खींची जाती हैं, बीच में जो गैप है वो बराबर रखा जाता है। तो जो ये लाइनें खींची हमने, इन्हीं को बोलते हैं सेक्शन लाइन। इसका प्रयोग हमेशा हम किसी ऑब्जेक्ट के कट सेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो सेक्शन लाइनें हैं वो कितने एंगल पर खींची जाती है, तो ऑप्शन में आपको 45 डिग्री मिलेगा, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के एंगल पर सेक्शन लाइनें खींची जाती हैं। अगली लाइन देखते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन, हिंदी में बोलते हैं लघु भंग रेखा। इट इज द कॉन्टिन्यूस थिन फ्री एंड लाइन। सारी लाइनों में सिर्फ एक लाइन यही है जिसको फ्री एंड खींचा जाता है, बाकी सारी लाइनों को खींचने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि फ्री एंड कौन सी लाइन खींची जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक लाइन। प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज टू शो अ ब्रेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू इंडिकेट इरेगुलर बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ड्राइंग फाइल में वो ड्रा करने में मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक पाइप है, साइज है इसका 10 मीटर लेकिन फाइल पे ये आ नहीं सकता, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको बीच में से थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे और यहाँ दिखा देंगे इसको ऐसे फ्री हैंड लाइन से, और इसी लाइन को बोलते हैं हम शॉर्ट ब्रेक लाइन। इससे ड्राइंग को देखने वाले को पता लग जाता है जो इसका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने बीच में से इसको ब्रेक करके शॉर्ट ब्रेक लाइन से दिखाया है। दीज रिजल्ट इन द सेविंग इन स्पेस एंड टाइम। इससे हमारा समय भी बचता है और जो ड्राइंग फाइल का स्पेस है, जगह है, वो भी बचती है। नेक्स्ट लाइन है लॉन्ग ब्रेक लाइन। इट इज द कॉन्टिन्यूस थिन विद जिग जैग लाइन। आपने जब बनाई थी देखा था कि कॉन्टिन्यूस है और बीच बीच में जिग जैग बनते हैं। कहाँ यूज करते हैं, यूज व्हेन ब्रेक एक्सटेंड ओवर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग। जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए हम फिर किसका प्रयोग करते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन का, जैसे इसमें प्रयोग करके दिखाया गया है। ये एक शाफ्ट है, इसका शाफ्ट का साइज बहुत बड़ा है, इसका जो ब्रेक है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस लाइन, बीच में जिग जैग, फिर कॉन्टिन्यूस लाइन, फिर जिग जैग। तो इस प्रकार से हम जो लॉन्ग ब्रेक हैं उनको शो करने के लिए प्रयोग करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन का, जिसको हिंदी में हम दीर्घ भंग रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कटिंग प्लेन लाइन। जो कटिंग प्लेन लाइन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश इन द रेशियो ऑफ अबाउट 6:1 to 4:1 एंड ड्रोन सेम एज द सेंटर लाइन बट एक्स्ट्रा थिक एट द एंड। कटिंग प्लेन लाइन हमेशा सेंटर लाइन की तरह ही खींची जाती है, लेकिन जो इसके एंड होते हैं वो थिक होते हैं। अभी हमने देखा था एक बड़ा डैश, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, इस प्रकार ही हम सेंटर लाइन भी खींचते हैं। लाइन में जो दोनों एंड है उनको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा थिक कर देते हैं, तो इसको कहेंगे हम कटिंग प्लेन लाइन। यूज कहां करते हैं, यूज टू शो द एज ऑफ अ कटिंग प्लेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग सेक्शनड टू शो द हिडन डिटेल्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का सेक्शन पार्ट दिखाते हैं और वहां पर कोई हिडन ऑब्जेक्ट है, तो उसको शो करने के लिए हम कटिंग प्लेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट लाइन हमारी है डिटो लाइन। इट इज अ डबल डैश लाइन, हम देख चुके हैं ये डबल डैश लाइन होती है, और कहाँ प्रयोग करते हैं, यूज टू कॉपी अ पार्ट पोर्शन और एन ऑब्जेक्ट। इसको ड्रॉ हम ऐसे करते हैं, दो डैश इकट्ठे आते हैं, फिर बीच में गैप, दो डैश बीच में गैप, दो डैश बीच में गैप, और इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब सेम ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी पोर्शन को कॉपी करना हो, यानी उसको बार बार ड्रॉ करना है, तो बार बार ड्रॉ करने के बजाय हम डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा समय और स्पेस बचता है। तो ये थी हमारी जो मेन लाइनें जिसका प्रयोग हम ड्राइंग फाइल में करते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ड्राइंग में हम कितनी तरह की लाइनें यूज करते हैं, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं और क्या क्या उनके मीनिंग होते हैं। अब आइए चलते हैं ड्राइंग फाइल पर और देखते हैं इस चैप्टर में से आपने उन लाइनों को कैसे अपनी फाइल में ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जो हैं वो ड्राइंग फाइल में कैसे बनानी है। हमें मेनली 10 लाइनें बनानी हैं। उसके लिए जो अगर हम इसको फाइल में ऐसे बनाएंगे तो ये स्पेस है कम रह जाएगा। उसके लिए हम फाइल में जो टेबल है वो इस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसा हम हर पेज पे करते हैं, सबसे पहले आउटलाइन लगाएंगे 1 सेंटीमीटर की। उसके बाद मेन आउटलाइन से 8 या 10 mm की एक लाइन खींचेंगे ताकि इसमें हेडिंग लिखा जा सके। हेडिंग क्या, आज चैप्टर 4
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। हेडिंग लिखने के बाद इससे नीचे थोड़े से स्पेस पर यानी 3 से 4 या 5 mm के स्पेस पर एक लाइन और खींचेंगे। उस लाइन से 1 cm यानी 10 mm एक लाइन खींचेंगे। ये यहाँ से हमारी टेबल बननी शुरू हो जाएगी। अब इस टेबल में हमें जो रो हैं वो कितनी चाहिए, 3, एक सीरियल नंबर लिखने के लिए। तो थोड़े से गैप पर यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सीरियल नंबर लिखा जाएगा। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट यानी लाइन का नाम लिखना है। तो एक लाइन हमारी यहाँ आ जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ये माप कर खींचनी है। इसके बाद जो इधर स्पेस बच गया यहाँ पर लिखेंगे हम कन्वेंशन, यानी उस लाइन को ड्रॉ करके दिखाएंगे कि उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, किस आकार की वो लाइन होती है। अब जो ये स्पेस है इसको हम 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें 10 लाइनें बनानी है। उसके लिए हम पहले देखेंगे कितना है, ये मेजर करके देखते हैं तो ये 20 से बहुत ज़्यादा ही है। तो हम लगभग 2 cm की लाइनें लगा लेंगे इस प्रकार ऐसे। तो उसके लिए हम 2-2 cm पे बिंदु मार्क कर लेते हैं। अब इन बिंदुओं को हम बड़े स्केल की मदद से मिला देंगे। इस प्रकार से हमारी एक टेबल तैयार हो जाएगी। नीचे हम 1 cm की लाइन लगाकर अपना नाम, ट्रेड का नाम, रोल नंबर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लिख दोगे नेम, जो भी आपका नाम है। यहाँ लिख दोगे ट्रेड का नाम, यहाँ लिख दोगे रोल नंबर। अब इस टेबल में सीरियल नंबर जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन का जो हमारा नाम था वो थी ऑब्जेक्ट लाइन या आउट लाइन, तो उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे हम, आउट लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। साफ साफ लिखना है, एक सीध में लिखना है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना था, किस तरह की लाइन थी, ये कॉन्टिन्यूस थिक लाइन यानी थोड़ी मोटी लाइन और वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो हम एक साइज की एक लाइन खींच देते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे क्योंकि थोड़ी थिक दिखानी है। तो जो ये लाइन है वो कौन सी है, आउट लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, किस साइज की है, थिक है, इसके ऊपर लिख दो ऐसे थिक। दूसरे जो नंबर पे थी वो कौन सी लाइन थी, कंस्ट्रक्शन लाइन। ये भी हमारी कंटिन्यूस थी लेकिन वो थोड़ी थिन थी, ऑब्जेक्ट लाइन हमारी थिक होती है। अब ध्यान ये रखना है, जहाँ से हमने ये लाइन शुरू करी है और जहाँ पे ख़त्म करी है उसी प्रकार से लाइनें ये बनाते जाना, हमें सभी लाइनों को उसी सीध से शुरू करना है और उसी सीध में ख़त्म करना है, ताकि सारी लाइनें बहुत अच्छी और साफ सुथरी दिखे। तो अब ये लाइन हमें या इसकी बिल्कुल सीध से स्टार्ट करनी है, लेकिन हमारी थिन होगी तो हम सिर्फ एक बार ड्रा करेंगे और कहाँ तक, जहाँ तक इसका एंड होता है। तो ये किस प्रकार की लाइन है, थिन है, इसको ऊपर या नीचे लिख देंगे हम थिन। तो अब इन दोनों में अंतर देख सकते हो, जो आउट लाइन है वो थोड़ी मोटी है और जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो पतली लाइन है। तो इन दोनों के बीच में यही अंतर था। तीसरी जो लाइन है, हिडन लाइन, हिडन लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, डैश के द्वारा। तो इसको डैश्ड लाइन भी कहा जाता है, थिन होती है। तो जैसा हमने पीछे बताया था बिल्कुल इसकी सीध से शुरू करना है, तो हम कैसे करेंगे, एक डैश लगाएंगे, फिर थोड़ा गैप, डैश, गैप, सारे डैश एक साइज के दिखने चाहिए हमें और जो गैप है वो भी बराबर नजर आना चाहिए। जो इसका एंड पॉइंट है वो भी इसकी बिल्कुल सीध में ख़त्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी हिडन लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये भी कैसी होती है, थिन होती है, इसके ऊपर लिख सकते हो आप थिन। कई बार इसको मीडियम भी बनाते हैं, तो ये मीडियम भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। फोर्थ थी हमारी सेंटर लाइन या लोकस लाइन।
ये कैसे ड्रॉ की जाती है? एक बड़ा डैश आएगा, एक फिर थोड़ा गैप दे के छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश और फिर बड़ा डैश। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो स्टार्टिंग डैश और आखिरी डैश दोनों क्या होने चाहिए? लॉन्ग होने चाहिए। कैसी होती है? भी थिन लाइन होती है। तो इस प्रकार से हम सेंटर लाइन ड्रा कर देंगे। पांचवें नंबर पे थी हमारी, वो है डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है? पहले दो एक्सटेंशन लाइनें खींची जाती हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट के हमें डायमेंशन दिखानी हो तो उस पार्ट या ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर दो एक्सटेंशन लाइन खींची जाती हैं और उनके बीच में डायमेंशन लाइन खींची जाती है जो कि थिन होती है और दोनों साइड उसके एरो हेड होता है। तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन और ये डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट हमारी लाइन थी सेक्शन लाइन। कट सेक्शन को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये ज़्यादातर 45 डिग्री के एंगल पे खींची जाती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, जैसी हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन थी। तो हम इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन यानी ऐसे दिखा देंगे। ये हमारी सेक्शन लाइन है। नेक्स्ट जो हमारी थी शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसका प्रयोग हम शॉर्ट ब्रेक दिखाने के लिए करते हैं और ये फ्री हैंड खींची जाती है ऐसे जिग जैग। या हमने लिखा नहीं, इसके ऊपर लिख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन ये भी थिन होती है, सेक्शन लाइन ये भी थिन होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है ये भी थिन होती है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका प्रयोग हम लॉन्ग ब्रेक दिखाने के लिए करते हैं और खिंची कैसे जाती है ये? पहले एक कंटिन्यूअस लाइन, फिर एक जिग जैग, फिर एक कंटिन्यूअस लाइन, फिर बीच में जिग जैग और फिर कंटिन्यूअस लाइन। तो इस प्रकार से शॉर्ट ब्रेक लाइन शो की जाती है। ये भी थीन होती है। नेक्स्ट थी हमारी कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन जैसे सेंटर लाइन खींची जाती है उसी प्रकार खींचते हैं, यानी एक बड़ा डैश, फिर थोड़ा गैप, छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, अल्टरनेट छोटे और बड़े डैश खींचे जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? इस प्रकार खींची जाती है सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन में सिर्फ अंतर क्या करना हमें, दोनों जो एंड हैं, जो लास्ट वाले डैश हैं, शुरुआत वाला और आखिरी वाला, दोनों क्या करने हमें ठीक करने हैं, थोड़े से मोटे करने हैं। तो इस प्रकार जो सिरे हैं ये हमारे ठीक हैं, इनके ऊपर लिख देंगे और जो बीच वाली लाइन क्या है, थिन है। लास्ट लाइन हमारी है डिट्टो लाइन। डिट्टो लाइन का प्रयोग हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पोर्शन को कॉपी करने के लिए। खींचा कैसे जाता है? दो डैश इकट्ठे, थोड़े थोड़े गैप पे, थोड़ा ज्यादा गैप देते हैं बाद में, फिर दो डैश, फिर थोड़ा ज्यादा गैप, दो डैश, ज्यादा गैप। तो इस प्रकार से ये डिट्टो लाइन खींची जाती है। तो ये आपकी टेबल इस प्रकार से बन जाएगी। तो आपने ध्यान ये देना है जो ये साइज हैं ब्लॉक के वो सारे बराबर होने चाहिए। 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, लेकिन सारे जो साइज हैं वो पूरी टेबल के बराबर दिखने चाहिए। जो लाइन की शुरुआत है और एंडिंग है वो सभी लाइनों का बराबर दिखना चाहिए और साफ और सुंदर बनानी है। तो ये था कि इस चैप्टर में से हमें
क्या और कैसे ड्रॉ करना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा कि ड्राइंग फाइल में मैं क्या और कैसे बनाना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो इस चैनल पर बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसको आने वाली ड्राइंग की वीडियो समय से मिलती रहें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।